इंदिरा जी का शासन का समय में यहां होम मिनिस्ट्री से कुछ ऑर्डर पास हुआ, उस ऑर्डर के मुताबिक मेरे प्रदेश, आपने मेरा प्रदेश का जिक्र किया, अरुणाचल प्रदेश में एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया, वहां कोई भी क्रिश्चियन मिशनरीज, कोई भी पास्टर, कोई भी फादर, कोई भी हो, क्रिश्चियन के नाम से अरुणाचल में अगर इंटर करता है तो उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये ऑर्डर कांग्रेस के समय में पास हुआ। मदर तेरेसा को जब वो अरुणाचल जाना चाह रही थी, उनको मना किया कि आप कहीं भी जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते हैं, ये ऑर्डर कांग्रेस के समय में पास किया। और अभी वहां से आप लोगों को बदनाम करते हैं कि बीजेपी आने के बाद सबको हिंदू बनाएंगे, क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता सरकार आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक भी ईसाई को, हमारे क्रिश्चियंस भाई बहनों को एक भी प्रोसिक्यूशन हुआ है तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ेगा, हजारों लोगों को जो जेल डाला, घर जलाया दिया गया, जो क्रिश्चियंस के मशीनरी का जितना भी जो फंक्शनरीज को जो टॉर्चर किया और उस समय घर जला दिया गया, उसके लिए क्या कभी कांग्रेस माफ मांगेगी? आपका जो कारनामा है, आपका जो करतूत है, उसको तो आप छुपा के रखते हैं। और आप जब इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। आज से 3 साल पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद भ्रष्टाचार का इश्यू तो खत्म हो गया है हमारा केंद्र सरकार का डिक्शनरी से। तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप ये इंटॉलरेंस अवार्ड वापसी, और आज आप मॉब लिंचिंग के नाम से 6 घंटा इस सदन में आपने बहस लेकर के आने का काम किया।